आगामी 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने जा रहे शीतकालीन अधिवेशन को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, उसे लेकर आज रवि भवन में कांग्रेस के विदर्भ के सभी शीर्ष नेता और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तीन राज्यों में कांग्रेस और हुई हार पर भी विचार मंथन किया जाएगा। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में यह गलती न दोहराई जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। आगामी 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाले शीतकालीन अधिवेशन की किस तरह से रणनीति होगी, इसको लेकर आज कांग्रेस ने नागपुर के रवि भवन में बैठक आयोजित की गई है। अभी फिलहाल जो है ये बैठक शुरू है, जिसमें कई विदर्भ के बड़े नेता शामिल हुए हैं, जिसमें नाना पटोले है, यशोमती ठाकुर, विरोधी पक्ष नेता वडेट्टीवार, इसी के साथ जो है विलास मुक्तेमवार और नितिन राउत और सतीश चतुर्वेदी जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए हैं, जो मंथन करेंगे इस पूरे अभी तक की चर्चा पर, किस तरह से इस शीतकालीन अधिवेशन में कांग्रेस की रणनीति रहेगी, किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश होगी और क्या मुद्दे रहेंगे जो इस अधिवेशन में वो कांग्रेस की तरफ से आगे आएंगे और सरकार को न्याय दिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही चार राज्यों में आए चुनावों के परिणामों पर भी चर्चा की जाएगी। इसी के साथ तीन राज्य में जो हार हुई है कांग्रेस की करारी, उसके क्या कारण थे, कहाँ पार्टी कम पड़ी, इन सभी शीर्ष जो विषय है उन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लोकसभा में जो ये गलतियां दोहराई ना जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और सभी नेता और जो कार्यकर्ता है, जो बड़े पदाधिकारी है, इन विषयों पर अपनी राय देंगे और साथ ही चर्चा करेंगे और अधिवेशन में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आंदोलन किया जाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, इन सभी विषयों को लेकर यह बैठक है और फिलहाल यह शुरू है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, NBCN न्यूज़ नागपुर।